हेलो दोस्त, हम करण कुमार शर्मा फ्रॉम NIIT जालंधर। जैसा कि आप लोग का जेईई मेन का डेट अनाउंस हो चुका है, आप लोग में से बहुत सारे लोग नर्वस होंगे, बहुत सारे लोग कॉन्शियस फील कर रहे होंगे, कुछ लोग ऐसा सोच भी रहे होंगे कि हमारा तैयारी कंप्लीट नहीं हुआ है या फिर थोड़ा और पढ़ने की जरूरत थी, लेकिन दोस्त अब उसका टाइम गया। और आप नॉलेज में जैसे कि कुछ एडिशन करने से अच्छा है या फिर कुछ यूट्यूब पर ऐसा सोच के रहे हैं, मतलब तुरंत तुरंत ऐसा कोई 5 मिनट के लिए वीडियो देख लें जैसे कि 5 नंबर बढ़ जाए, तो ऐसा आप करना बंद कर दीजिए। ठीक है दोस्त, अब हमारे पास जितना है उतना ही आपके काफ़ी है आपके रिजल्ट लाने के लिए। ठीक है, तो जितना नोट्स है उसके थ्रू जाइए, 100% उसका देने की कोशिश कीजिए, बस वही रिजल्ट देने के लिए काफ़ी है। जैसा कि आप लोगों ने मेहनत किया है तो मेहनत का रिजल्ट पक्का आएगा। बस देखिए, जैसे जो जो लोग लो कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं उनके लिए बस एक ही उपाय है कि जितना ज़्यादा उसके नोट्स रिवीजन कीजिए, क्योंकि हमने भी अपने टाइम से जब लो कॉन्फिडेंस जैसे एग्जाम आया था हम भी बहुत डरे थे कि मतलब नहीं हो पाएगा जितना पढ़े हैं। बहुत सारे चैप्टर हम लोगों ने छोड़ भी रखा था, फिर भी सोचते थे नहीं हो पाएगा, लेकिन जितना ज़्यादा नोट्स रिवीजन करते गए उतना ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ता गया। रीजन क्या होता है नोट्स पढ़ने से कि जैसे कि आपको उस चैप्टर में से अगर क्वेश्चन आते हैं तो आपको सीधा पता चलेगा कि इसमें ऐसा लॉजिक लगाना है, इसके बाद आंसर आपका आने वाला है। ठीक है, लेकिन अगर आपने जो चैप्टर पढ़ा नहीं है उसका क्वेश्चन छूटे तो कोई रिग्रेट नहीं होने वाला। जिसका चैप्टर आपने पढ़ रखा है उसका क्वेश्चन छूटे तो बहुत ज़्यादा रिग्रेट होगा और आपको लो कॉन्फिडेंस भी फील कराएगा एग्जामिनेशन हॉल में। तो ये ना हो, इसके लिए सबसे ज़्यादा नोट्स रिवीजन करने की कोशिश करो। एग्जामिनेशन हॉल में आप ये ट्राई करो कि जो आसान क्वेश्चन है सबसे पहले उसको टैकल करो, और उसके बाद हार्ड क्वेश्चन पे दोबारा रिपीटेशन जब किया करते हो तीनों सब्जेक्ट के बाद, उसके बाद उसको सॉल्व करने की कोशिश करो। ऐसे डरना बिल्कुल नहीं है। सबसे पहले केमिस्ट्री हम अपना पर्सनल ओपिनियन बताने की कोशिश किए तो सबसे पहले हम केमिस्ट्री गए थे, उसके बाद फिजिक्स और फिर मैथ, और फिर जो भी हार्ड क्वेश्चन था जो मतलब पहली बार में नहीं बना था उसको दोबारा हम लोगों ने अटेम्प्ट किया और बन भी गया था। रीज़न ये था कि पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ हमने उसको टैकल किया था और कॉन्फिडेंट के साथ भी, क्योंकि अगर ये सोचने लगे कि ये क्वेश्चन नहीं बन पाया तो हम मतलब हमारा तैयारी कमज़ोर है, अगर वहाँ पे ये सोचने लगे तो रिजल्ट गिनना तय है। ऐसा सोचने क्वेश्चन नहीं है तो सोचो कि बस अगला बनेगा, ये सब कोई दिक्कत नहीं। और जितना ईजी क्वेश्चन बनाते जाओगे उतना ही आप नंबर से स्कोर करते जा रहे हो, और अपने आपको कॉन्फिडेंस देते जाना कि हम अपने लक्ष्य के करीब जा रहे हैं, जो भी आपका टारगेट है उसे करीब हम नंबर स्कोर करते जा रहे हैं। ठीक है, ऐसा कुछ सोचना बस, और डरना बिल्कुल नहीं है।